जैसा कि अभी आप लोग देख रहे थे, हम लोग बांध पे खड़े थे। ये अमृत सरोवर जो बन रहा है आपको कनेथु बुजुर्ग के ताल में, अभी हम अमृत सरोवर के अंदर आ चुके हैं। और यहाँ पे कुछ वर्कर्स हैं जो काम कर रहे थे अभी यहाँ। आप लोग वहाँ उस जगह पे हम आ गए हैं जहाँ पे वो अपना रात गुजारते हैं और जहाँ से उनका अपना यहाँ भोजन बनता है। आप देख रहे होंगे दूर दूर तक यहाँ पे कोई चीज़ आपको दिखाई नहीं देगी सिवाय यहाँ पे इन्हीं लोगों के। इनका दिन कैसे कटता होगा इस अमृत सरोवर को बनाने में और किस तरह से ये मेहनत करके इस चीज को पूरा क्रियावन कर रहे हैं कि ये तालाब बन के जल्द से जल्द तैयार हो जाए। अमृत सरोवर ये जो जिस जगह पे बन रहा है, आपको मैं फिर पुनः बता दूं, ये कनेथु बुजुर्ग के ताल में ही बन रहा है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ दूर दूर तक, आपकी जहां तक नजर जाएगी आपको इसी का एरिया दिखाई देगा जो अमृत सरोवर के नाम से अब पूरे बस्ती में प्रसिद्ध हो चुका है। आइए हम जानना चाहेंगे, यहाँ पे कुछ वर्कर्स हैं, कुछ लोग हैं यहाँ पे, उन्हीं से कुछ बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? अजीत अजीत जी, कहाँ से? तुलसीपुर में, नवाबगंज गोंडा। तुलसीपुर से आप हैं तो यहाँ अभी आप क्या कर रहे हैं? तालाब बना रहे हैं तालाब। जी। इसमें आपका कार्य क्या है मुख्यतः? ट्रैक्टर चलाते हैं आप। तो हमको एक बात बताइए, कितने दिन हो गए आपको आए हुए? कल ही आए। कल आए हैं। जी। और कितना दिन तक आपको रहना है अभी? जब तक चलेगा सर। जब तक चलेगा। कुछ टारगेट दिया गया है आप लोगों को कि इतने दिन में बन के तैयार होना चाहिए? अभी तो नहीं मिला सर। अभी टारगेट नहीं मिला आप लोगों को कितने दिन में बन के तैयार करना है? 2 महीने। 2 महीने। 2 महीने। जी। अच्छा, 2 महीने में ये तालाब बन के तैयार करवा देना है आपको। जी। तो 2 महीने तक आप यही हैं। जी। हम दिखाना चाहेंगे, आप इधर आइए थोड़ा सा। जैसा कि आप लोग भी देख रहे हैं कैमरे में, यहाँ पे इन लोगों का सोने का व्यवस्था है। कहाँ गए? क्या नाम बताया आप? अजीत। अजीत जी, ये आपका सोने का व्यवस्था है। आपके टीम में कितने लोग हैं? 16 लोग। 16 लोग। सभी लोग यहाँ आके सो जाते हैं? जी। 16 के 16। 16 के 16। और भोजन भी सबका एक साथ यही बनता है? जी, भोजन ही बनता है। कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो आपको फेस हो रही हैं यहाँ पे? कुछ नहीं। कोई समस्या नहीं है? कोई समस्या नहीं। कुछ आपको चाहिए ऐसा कि जो आपको मिल सके यहाँ पे, जिसकी आपको जरूरत है, कोई चीज ऐसा है? क्या हमको जरूरत है? जो जरूरत है वो मिलती है। जो जरूरत है आपको टाइम से मिल जाता है? जी। कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत नहीं। गाँव से आए यहाँ पे? जी, गाँव से आए। गाँव से आए यहाँ पे काम करने के लिए? किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सपोर्ट सबका मिल जाता है? जी सर। आसपास के गांव वाले आके कोई बातचीत? कोई नहीं, कुछ नहीं, सब अच्छे से बोलते हैं। सब अच्छे से बात कर रहे हैं, काम सही चल रहा है। जी। क्या नाम है आपका? आरडी गौतम। आरडी गौतम जी, आप कहाँ से हैं? हम तो बस वहाँ नवाबगंज से आए हैं। नवाबगंज से आप आए हैं? जी। तुलसीपुर? जी हाँ, तुलसीपुर। गोंडा? तुलसीपुर गोंडा। गोंडा से? जी। तो उतने दूर से यहाँ पे कॉन्टेक्ट आप ही को मिला क्या? नहीं, हमारे सीनियर साहब को मिला, भाई साहब को। भाई साहब को? जी। कौन से भाई साहब को? ये भोजन भोजन वोजन कौन बनाता है? भोजन यहाँ भंडारी हैं। भंडारी आप लोग लेके आए हैं? जी, भंडारी बना के देते हैं। ट्रैक्टर में कुछ गड़बड़ी हो गई है क्या? जी हाँ, कुछ ट्रैक्टर में गड़बड़ी हो गया है, वही ठीक कर रहे हैं। अच्छा, ये भाई साहब हैं? जी। क्या, आ जाइए थोड़ा सा इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? प्रवीण कुमार यादव। प्रवीण कुमार यादव जी, ये ठेका आपको मिला है क्या? जी, ठेका तो, काम कराने के मिला। ठेका तो यहाँ के कोई लिया है। कोई लिया है? हाँ, उनका नाम है गिल्लम चौधरी। हाँ, गिल्लम जी। जी, गिल्लम जी का ये ठेका है, उस ठेके में आपको ठेका मिला है? हाँ, उन्हीं के द्वारा हम लोग काम करा रहे। तो आपका कार्य क्या है? यही तालाब बनाने वाला कार्य। तालाब में आपको क्या क्या काम करवाना है? तालाब में से मिट्टी निकालना है बस। मिट्टी कितना? जो हो, 2 मीटर 2.5 मीटर। अभी एरिया फिक्स नहीं हुआ है? नहीं फिक्स हुआ। अच्छा, और कितने एरिया में आपको काम करना है? यही जो 1500-1600 बीघे का है। 1500-1600 बीघे में? जी। कच्चे पक्के? कच्चे बीघा, पक्के नहीं। कच्चे बीघे? जी। 1600 बीघे कच्चे में समथिंग ये अमृत सरोवर बनेगा? जी जी। आपको कोई टारगेट मिला हुआ है कि कितने दिन में इसको क्लियर करना है? मिला है, बोल रहे थे 2 महीना 1.5 महीने में इसको खत्म कर दो। 1.5 से 2 महीने में खत्म करना है? जी जी। ये पूरा? पूरा पूरा। अभी जहाँ पे हम लोग खड़े हैं यहाँ पे कोई कार्य अभी हमको नहीं लगता? नहीं, है अभी यहाँ कोई कार्य नहीं हुआ। अभी यहाँ कोई कार्य नहीं? अभी आज से कार्य चालू हुआ हम लोगों का। अच्छा, आज से ही कार्य चालू हुआ है? जी। तो आपको लगता है कि 2 महीने में आप इतना एरिया कवर कर ले जाएंगे? कवर कर ले जाएंगे, गाड़ी और बढ़ाएंगे ना। गाड़ी और बढ़ाएंगे जी। तो प्रति गाड़ी आपको मिलता है या एरिया के हिसाब से आपको दे दिया गया है? एरिया के हिसाब से हम लोगों को।
अच्छा, एरिया के हिसाब से आपको दे दिया गया है कि इतना एरिया आपको कवर करना है, करके तैयार करना है, और कितना मिलेगा आपको? यही घन मीटर के हिसाब से है। घन मीटर? एक घन मीटर का कितना मिल जाएगा? 50 रुपये। 50 रुपये कम है या सही है? अब सही है, अपने हिसाब से, रोजगार के हिसाब से सही है। अपने हिसाब से सही है। एक घन मीटर हमारे, अगर दर्शक आपको देखें तो एक घन मीटर का एरिया कितना होता है, थोड़ा सा सरल भाषा में समझा दीजिए, ताकि वो लोग भी, अगर घन मीटर जो ना समझ पा रहा हो वो भी समझ जाए। एक घन मीटर कितना होता है? घन मीटर ये हो गया, जैसे एक घन मीटर एक चौड़ा, एक लंबा, एक घन मीटर ऊंचा, हाइट। मतलब 1x1 मीटर का गड्ढा आपको करना है तो 50 रुपया मिलेगा। जी, जी। इसी सारे ट्रैक्टर से? सारे ट्रैक्टर। कितने ट्रैक्टर आप ले आएंगे कि ताकि आपको ये लगे कि 1.5 महीने में ये कवर हो जाएगा सारा? यहाँ लगाएंगे 40-45 गाड़ी तो हो जाएगा। 40-45 गाड़ी अगर 1.5 महीने कंटिन्यू चलेगी? जी। कितना घंटा एक गाड़ी चलेगी? 16-18 घंटा। 16-18 घंटे। जी। ड्राइवर बदलेंगे या? डबल ड्राइवर। डबल ड्राइवर है जी। तो 2 महीने में ये कन्फर्म हो जाएगा। और भी कोई चीज यहाँ आपको पता चला कि ये चीजें और होनी है अमृतसर? और हमको अभी आपको और जानकारी नहीं है। तो जितने ये सारे लोग हैं या जो उधर आपको ट्रैक्टर चल रहा है, ये सारा आपके अंडर में है, यही है ना? खाने पीने की व्यवस्था अपना स्वयं करें, खाने पीने की आपको खुद करना है। बस ठेका आपको मिल गया है घन मीटर के हिसाब से। कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई असुविधा? जैसा कि आप लोग देख रहे थे, इन लोगों को भी देखिए कि यहाँ पे कितनी मेहनत इस सरोवर के लिए हो रही है। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की, अमृत सरोवर की, जो जगह जगह बन रहा है। ये चूंकि यहाँ पे आपको काफी जगह मिल गई है, ये सरोवर बस्ती के लिए एक मिसाल कायम करेगा। आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज टीवी, मैं अमर मणि मिश्रा, कैमरामैन संदीप के साथ।